So today we will be starting with the P block elements. P block elements here, you have studied about the periodic table. तो हमने ये S block के group 1 and group 2 members जो हैं वो discuss कर लिए हैं. Now in between there will be D block. और D को pass करके हम कहाँ पर पहुँचते हैं? P block elements पे. Okay? Here the P block elements. They start from the group 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक जाते हैं ये P block के elements. Right? Now why they are known as P block elements? Because here the valence electron or the last electron, it enters in the P subshell. Okay, since the valence electron or the valence or the last electron, it enters in the P subshell. So that's why these elements, they are termed as P block elements. Okay, now group 13 mein aa jate hain aapke boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and this will be the noble gases. ठीक है, तो जो 18 फैमिली है वो नोबल गैसेस की फैमिली है. तो बिल्कुल एक सेपरेट ही जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्लास इन योर 11th स्टैंडर्ड यू विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ठीक है, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं डिस्कस करने हैं. Because rest families you will be discussing in your next class, ठीक है, along with the D block elements, B और F block elements भी आएंगे आपको. तो P, D and F, P के जितने रह गए और D and F block elements you will be studying that in your next class. Okay? तो in this particular class we will be studying about the boron family and the carbon family. Clear बेटा? ठीक है? Now with the exception of helium. अगर हम हीलियम को एक्सेप्ट कर दे, ठीक है, तो बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो क्या कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? दिस इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेयर दे आर हैविंग द कंप्लीट एस शेल. ठीक है, एस सब शेल फिल है, बट यहाँ पर जो पी है दैट विल बी फिल्ड इन 1 to 6 ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल फॉर द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, उनके लिए क्या होगा? NH2NP1 आएगा. ओके, हाँ जी, ठीक है कि नहीं? अगर आप बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है, बोरोन 5 है, 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है बेटा, तो इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में जा रहा है एंड दैट इज ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द p सबशेल. सो इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द ग्रुप 14 मेंबर्स, तो उनके लिए NH2NP2 हो जाएगा. सिमिलरली 14 के लिए 3 है, 16 के लिए 4 है. तो ऐसे ही आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन हैं वो टिल 6 तक जाएंगी. ओके, अगेन विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, जिसमें आप सिर्फ एस में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो. ओके, बाकी सब में जो है वो पी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द बोरोन फैमिली. सो लेट्स discuss about the group 13 members. So for the group 13 members, you see you are having boron family, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay, so these are the members of the group 13. और first member का atomic number 5 है, उसके बाद 8 plus करोगे तो 13 आ जाएगा. Then again you will be adding 8 here, तो it will be 31. Then उसके बाद आपने 18 add करने हैं, then it will be 49. 32 add करोगे इसमें, तो it will be 81. Okay. So these are the atomic numbers of these elements and corresponding electronic configuration मैंने अभी आपको बताई ही है.
it will be 1s2, 2s2, 2p1. ओके अगर मैं इसको देखूं तो अकेला दिस विल बी हीलियम, देन इट विल बी 2s2 2p1. तो आगे जो है वो नोबल गैस आ जाएगी और पीछे जो है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ns2 np1 बनेगा. सिमिलरली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आएगा. ठीक है तो आप यहाँ पर ले सकते हो नियॉन, क्योंकि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन की है. तो दैट इज 3s2 3p1. ठीक है तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो बाकियों की क्या बनेगी फिर आर्गन. अब यहाँ पर हमने 3d10 भी जो है वो इंक्लूड करना है बिकॉज हेयर द डी ऑर्बिटल्स विल ऑल्सो बी देयर. ओके सो 3d10 4s2 4p1 राइट. तो ऐसे ही जब आप इंडियम पे जाओगे तो अगेन देयर विल बी 4d10 इलेक्ट्रॉन्स विद 5s2 5p1 हेयर. ओके इन द सेम वे देयर विल बी 4f14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके 4f14 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि अब यहां पर f सेल्स सब सेल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी. अब 5 के साथ d भी आएगा 6s2 6p1. ओके सो दीज आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन तक हमने लिखी है. ठीक है कंसीडरिंग द नोबल गैसेस दिस इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बहुत ध्यान से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सारी की सारी चीजें जो है इन्हीं पे बेस्ड है. ठीक है पर्टिकुलरली फॉर दीज गैलियम इंडियम एंड थैलियम जहां पर भी एनोमली आएगी, जहां पर भी रिवर्स बिहेवियर होगा, इट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज डी इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर एफ और डी दोनों, क्योंकि स्क्रीनिंग जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स. डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्क्रीनिंग कम हो जाएगी अल्टीमेटली. ठीक है तो पहले मेंबर ने तो वैसे ही डिफरेंट बिहेव करना है, उसके बाद एल्यूमिनियम बच्चा है एक. ठीक है देन गैलियम इंडियम थैलियम का भी बिहेवियर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन देयर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके क्लियर है बेटा यहां तक? हाँ जी ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज. अगेन जब भी हमारे पास ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें हम जनरल इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाएगा द फैक्टर ऑफ एटॉमिक रेडियाई. तो यहीं से हम हर बारी स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई. नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एटॉमिक रेडियाई? इट विल बी लेस और मोर एज कंपेयर टू द एस ब्लॉक. अब हम एस ब्लॉक पढ़ाए हैं तो अब हमने एस ब्लॉक के साथ पी ब्लॉक को कंपेयर करना है. ओके तो जो जो चीजें आप पढ़ लोगे फिर उसमें कंपेरिजन चलना शुरू हो जाता है. Now as compared to the S block element, what do you think about the P block elements in terms of atomic radii? कम होगा ज्यादा होगा? S block के comparative less होगा. The reason being क्यों less होगा बेटा? Because as you move along the period, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है periodic table. तो अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हो हेयर यस द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज. तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उस कंपैरेटिव क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा. सो ड्यू टू दिस रीजन देयर एटॉमिक रेडियाई इट विल डिक्रीज. ओके तो इनका एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ देयर आर सम ऑफ द एनोमलीज. ठीक है कुछ एनोमलीज हैं. सबसे पहले देयर इज शार्प इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम. कहते जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम में जा रहे हैं तो ये जो एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज है डेट इज वेरी वेरी शार्प.
रीजन, हाँ जी बेटा रीजन, तो वही प्रॉपर्टीज फिर दोबारा से बोलूंगी मैं जो हमने एस ब्लॉक में की है. क्यों इंक्रीज हो रहा है बेटा? Anyone? Why there is sharp increase in the atomic radii from boron to aluminium? अगर आप boron से aluminium में जा रहे हो, see aluminium is having more size as compared to the boron. ठीक है? तो down the group आपको पता है कि size जो है वो increase हो जाता है. So that's why the atomic radii it shows a very very sharp increase. क्यों? Boron का size छोटा है, aluminium का size बड़ा है. ठीक है? बोरोन का पॉजिटिव फील्ड ज्यादा होने के कारण जो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया है वो बहुत टाइट होल्ड किया हुआ है. ठीक है? इसीलिए जब हम एल्यूमिनियम पे जाते हैं तो एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो तो इंक्रीज हो ही रही है, प्लस पॉजिटिव फील्ड जो है वो कम हो रहा है यहाँ पर. ओके, तो जो एल्यूमिनियम का चार्ज है, जो एल्यूमिनियम का साइज है आयनिक रेडियाई का, वो क्या है यहाँ पर? कम है, सॉरी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ द सेकंड एनोमली, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम. अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं कह रही हूँ कि इंक्रीज होना चाहिए था तो फिर गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था एल्युमिनियम से भी. ठीक है? गैलियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो एल्युमिनियम से भी ज्यादा होना चाहिए था. वी आर सेइंग दैट डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज कर जाता है. बट वाई हेयर द गैलियम इट इज हैविंग लेस वैल्यू. ठीक है? बढ़ने की बजाय यहाँ पर जो इसका एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. व्हाट कैन बी द रीजन बेटा? हाँ जी, क्या रीजन है? अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े ध्यान से देखनी है हमने. यस, डी ऑर्बिटल्स, वेरी गुड दिलजीत. सो हेयर जब आप देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो गैलियम पर आते आते हमने डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर दिए हैं? वो स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है? तो डी इलेक्ट्रॉन्स में या आपकी जो डी सबशेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए हैं. एंड डी ऑर्बिटल्स दे आर हैविंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट. तो जो आपके डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है? पुअर है as compared to the SNP block electron. Okay, as compared to the SNP electrons, यहाँ पर जो d electrons हैं उनका shielding effect poor है, इसलिए जो आपका atomic radii है वो कम हो गया क्योंकि nuclear charge बढ़ गया. Okay, right बेटा, यहाँ तक किसी को कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो. उसके बाद जो है वो that will go on increasing because size बढ़ेगा. ठीक है? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा. क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द आयनाइजेशन एनर्जीज, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ दीज वैल्यूज? इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज कैसे होंगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के लिए हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी सबसे पहले. सो लेट्स सी देयर कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बताया है, देयर विल बी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1. This is their general configuration. अब इस configuration में हम क्या कहते हैं कि जो इनकी first ionization enthalpy है, right? The first ionization enthalpy is less than that present in the group 2 elements. तो अगर हम S और P block दोनों को compare करें तो हम यहाँ पर group 2 elements और P block के elements को compare कर रहे हैं. तो group 2 के elements की आपकी NH2 थी. This is NH2NP1. Now which will be having less value? This is quite clear that the P block elements here, the group 13 elements will be having less value of ionization enthalpy.
where they will be readily losing their this one electron which is present in the p subshell. ठीक है जी, तो बड़ी इजीली वो इलेक्ट्रॉन देके उसके बाद दे विल बी एक्वायरिंग अ स्टेबल कॉन्फिग्रेशन, राइट। तो इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज हैं वो क्या हैं, कम है एज कंपेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। इज दिस क्लियर बेटा? नाउ अगेन हियर इज वन एनोमली, देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द वैल्यूज एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम। कहते जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम में जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो शार्प डिक्रीज है। ओके हाँ जी, क्या रीजन हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीजन इन द शार्प डिक्रीज ऑफ द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? यस यस बेटा, व्हाट कैन बी द रीजन ड्यू टू द लेस न्यूक्लियर चार्ज? व्हाई? बिकॉज जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम में जाओगे, अभी मैंने बताया है कि एल्यूमिनियम का साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज हैविंग मोर साइज एज कम्पेयर टू द बोरोन, तो अगर साइज इंक्रीज हो गया है तो उस इलेक्ट्रॉन को आप इजिली जो है वो बाहर निकाल सकते हो, राइट। सो द इलेक्ट्रॉन इट कैन बी रिमूव एट वेरी वेरी इजी इजी रेट से आप उसको निकाल सकते हो, बट बोरोन का जो साइज है वो छोटा है, राइट। इस कंपैरेटिव में जो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पीज होंगी वो ज्यादा होंगी। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब हम गैलियम पे आ रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग एट द गैलियम, अगेन जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अगेन द ट्रेंड इज शोइंग द ऑपोजिट बिहेवियर। वैसे तो ज्यादा होनी चाहिए थी, वैसे तो कम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, क्यों नीचे आते आते जो है वो साइज बढ़ जाता है। ओके एंड द इलेक्ट्रॉन इट कैन बी लॉस्ट वेरी वेरी इजीली, बट हेयर अगेन द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इट इंक्रीजेस। व्हाट कैन बी द रीजन बेटा? स्पेसिफिकली गैलियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यस, क्या रीजन होगा बेटा? अगेन हेयर यू विल बी इन्वॉल्विंग द डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसीलिए न्यूक्लियर ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द मोर वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके राइट। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दीज बोथ एलिमेंट्स, तो गैलियम के कंपैरेटिव इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, बट अगेन द वैल्यू इट इंक्रीजेस फॉर द थैलियम। व्हाट कैन बी द रीजन? अगेन गैलियम से जब आप इंडियम पे आओगे ना तो ये वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज 558 फॉर द इंडियम, बट अगेन व्हेन यू मूव एट द थैलियम तो द वैल्यू इज 590। ये ट्रेंड्स है बेटा। गैलियम के लिए जो आपकी वैल्यू आती है दैट इज 570, ओके। इंडियम के लिए 558 है, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड फॉर द थैलियम द वैल्यू इज 590। हाँ जी बेटा, व्हाट कैन बी द रीजन? एफ ऑर्बिटल्स, वेरी गुड दिलजीत। सो हेयर वी आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग द एफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पर डी और एफ दोनों आ जाते हैं जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया है दैट मीन्स द न्यूक्लियस इज हैविंग मोर होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली नहीं निकल सकता, एंड यू हैव टू गिव मोर एंड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ओके सो दिस इज अबाउट द बिहेवियर और द ट्रेंड्स फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, राइट। तो हमने क्या कहा है कि बोरोन की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद हमने ये कहा है कि गैलियम की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, एंड इन द लास्ट वी हैव सेड दैट द थैलियम इज हैविंग मोर वैल्यू। ओके तो अगर आपने शो करना है तो योर ऑर्डर विल बी लाइक दिस फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज फेस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव टू रिमूव। सो हेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शील्डिंग कम हो जाती है। अगेन इन दोनों के कंपैरेटिव गैलियम जो है वो ज्यादा इफेक्ट शो करता है, and here for the thallium both the d and f electrons are there,
राइट. सो दैट्स व्हाई द स्क्रीनिंग कांस्टेंट इट फर्दर डिक्रीजेस. तो डी और एफ के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो और भी कम हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Since they are having the general configuration of NS2NP1, so it is expected that they should be showing plus one oxidation state. Okay, right? And there is also possibility that after the loss of these three electrons, they will be acquiring noble gas configuration. So plus three oxidation state bhi jo hai wo form ho sakti hai. So that means the boron family, it can show a multiple or you can say a variable oxidation state of plus three also and plus one also. Plus one कब आएगी जब p electron lose होंगे और plus three कब आएगी जब s और p दोनों lose होंगे. ठीक है. Now what about the stability? ठीक है, दोनों oxidation states तो show कर रहे हैं, variable oxidation state show हो रही है, but इसमें से किस oxidation state की जो stability है वो ज्यादा है? So that is both the boron and aluminium, they will be showing you the plus three oxidation state. ठीक है, boron and aluminium दोनों जो हैं वो आपको plus three oxidation state show करेंगे. But जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ये जो plus three oxidation state की stability है, it will decrease down the group. तो फिर plus one oxidation state जो है वो ज्यादा stable हो जाती है. यानी कि एट द एंड ऑफ द एलिमेंट्स जो थैलियम है, इट विल बी मोर प्रोनाउंसली शोइंग द प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट रादर देन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी द रीजन कि डायरेक्टली थ्री से वो प्लस वन की स्टेट पे आ गया है, ऐसा क्यों? यस, एनीवन बेटा? Okay, the question can be asked to you like this also, that whether TL CL is stable or TL CL3 is stable. Kiski stability zyada hai, TL CL3 ki or TL CL ki? Hanji, theek hai? Now the reason is very very important thing, that is inert pair effect. The reason is inert pair effect, and this is very very important. What is inert pair effect? See, if we are concerned with these two elements, इसका मतलब क्या है कि plus three oxidation state हो रही है. That means ये s और p दोनों के electrons जो हैं वो बाहर जा रहे हैं. Okay, here both the s and the p electrons, the valence electrons of the s and p, they are actually removed. रिमूव का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग में ये तीन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एस के दो और पी का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है. ओके, एंड व्हाट इज देयर इन द थैलियम? जब हम थैलियम पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो सिर्फ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो हो रही है. दैट मीन्स जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं. इसका मतलब तो यही हुआ कि जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर वो बॉन्डिंग में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ p वाला जो है वो अपने बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. नाउ दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग or to take part in the bond formation. S electrons जो हैं वो reluct कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि हमने अपने electrons जो हैं वो bonding के लिए नहीं देने हैं, and we are not ready to do any bond formation. Okay, so this is known as inert pair effect, and this inert pair effect is pronounced after the aluminium. तो aluminium के बाद जो आप लिखते हो gallium, indium, thallium, उनके लिए ये जो रिलक्टेंस है ये ज्यादा हो जाती है. एस ब्लॉक जो हैं, जो एस के एलिमेंट्स हैं,
they are actually not ready to give their electrons. Now what can be the reason? क्या reason हो सकता है बेटा? The same reason, d and f electrons. तो जब आप देखो गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो मैंने अभी आपको बताया गैलियम और इंडियम में हम डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं और थैलियम में बोथ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ओके, अब डी और एफ वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है पुअर. दे आर हैविंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट. सो ड्यू टू देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट दे आर नॉट इन पोजिशन टू शील्ड द एस इलेक्ट्रॉन्स. शील्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियर चार्ज के लिए ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो रहे हैं. दे आर मोर और द न्यूक्लियर चार्ज इज शोइंग मोर ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन दीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स और द एस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एक्चुअली वेरी वेरी नियर टू द न्यूक्लियस. क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास हैं इसीलिए न्यूक्लियस ने उनको ज्यादा टाइटली होल्ड किया हुआ है. ओके, और डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इंटरवेनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इन द शील्डिंग फैक्टर. दे आर नॉट गोइंग टू शील्ड दीज एस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू विच द एस इलेक्ट्रॉन्स दे रिलक्ट, दे रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन where only the electron present in the p orbital that is involved for the bonding. So that's why the oxidation state it actually changes from 3 to 1. Is this clear beta? Yahan tak clear hua hai ki nahi? To agar hum inki stabilities ki baat kare to jo aapki plus 3 ki स्टेबिलिटी है, जब आप नीचे जाओगे वैसे वैसे ये कम होती जाएगी. यानी कि बोरोन और एल्यूमिनियम की प्लस 3 के लिए जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी एंड गैलियम और इंडियम की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी. ओके, वेयर एज द गैलियम एंड द इंडियम दे विल बी मोर स्टेबल फॉर द प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट. नीचे जाते जाते प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी. ओके, एंड ऑल इज दिस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्लियर बेटा? हाँ जी क्लियर. एनी डाउट? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा यहां तक. राइट, कमिंग टू देयर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. सो मेटालिक और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर. इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मेंबर दैट इज बोरोन, सो यू नो कि हमेशा जो फर्स्ट मेंबर है वो थोड़ा डिफरेंट ही बिहेव करता है. ओके, सो हेयर द बोरोन इज टिपिकल नॉन मेटल. बोरोन जो है वो मेटल में नहीं कंसिडर किया जाता, दैट इज नॉन मेटल या सेमी मेटल ले लेते हैं हम. ठीक है, दैट इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. वेयर एज एल्यूमिनियम यू नो दैट इज अ मेटल. ठीक है, एल्यूमिनियम आपको पता है कि वो मेटल है. राइट, ठीक है बेटा. यस, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ. बट इफ वी स्पेशली टॉक अबाउट द बोरोन दैट इज नॉन मेटल, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं है. ठीक है, सेमी मेटल या नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजेशन पावर. वेयर एज द नेक्स्ट मेंबर्स, ठीक है, जो बाकी मेंबर्स हैं एल्यूमिनियम एंड अदर 3 मेंबर्स, दे एक्चुअली शो द मेटालिक कैरेक्टर. एल्यूमिनियम भी इतना नहीं शो करता है, ठीक है, जितना गैलियम और इंडियम और थैलियम करते हैं. एंड दे कैन वेरी इजिली कंडक्ट करंट. ठीक है, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो नीचे जाते जाते फॉर द गैलियम इंडियम एंड थैलियम दीज 3 इट इंक्रीजेस. ओके, बट द फर्स्ट 2 मेंबर्स वेयर द बोरोन इज टिपिकली नॉन मेटल एंड एल्यूमिनियम भी जो है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है. ओके, चलिए.